ह्युंडई ऑरा एक बार फिर देख सकते हैं चैनल के ऊपर, वाइट कलर की कार पे विथ ऑल द नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। ह्युंडई ऑरा का फिर से एक आज वीडियो हम देख रहे हैं बहुत टाइम के बाद। इस गाड़ी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं द इंटीरियर लुक ऑफ द कार। हमने डार्क ब्राउन यानी कि वॉलनट कलर देखा, हमने लाइट ब्राउन कलर देखा जो विंटेज ब्राउन कलर की गाड़ी के ऊपर था, बट एलमंड कलर यानी कि वाइट कलर की गाड़ी पे एक एलमंड कलर का लुक हम देख रहे हैं कि टॉप गियर के ही अल्ट्रा कंफर्ट सीरीज के सीट कवर्स हैं जो एलमंड विद थोड़ी सी ब्लैक की उसके अंदर पाइपिंग दी हुई है। एक लुक ऑफ द इंटीरियर आप लोगों के सामने है जिनके 5 अपग्रेड्स ये हमने किए हैं इंटीरियर में। एक अच्छा सीट कवर लगाया है जो टॉप गियर ब्रांड का है। टॉप गियर इज़ वेल नोन फॉर दिस अल्ट्रा कंफर्ट, जो आपको बैक सपोर्ट पे ये 1, 2, 3 और 6 ब्लॉक्स मिलते हैं कुशनिंग के। प्लस इसकी फिटमेंट देख सकते हैं, ग्रेनलेस फैब्रिक में आते हैं, दाने वगैरह बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेंगे। बाकी आप लोकल सीट कवर आप लगाते हैं अगर ऑरा में, तो पीछे के इसमें आपको चेन लगानी पड़ती है टू एक्सेस योर आर्मरेस्ट। मतलब आपकी भी ऑरा होगी, सादा सीट कवर आपने लगाया होगा, वो चेन को उठाओ उसमें आप आर्मरेस्ट निकालो तो वो सब बात नहीं है। सीट कवर लगाने से पहले जैसे आर्मरेस्ट निकलता था, सीट कवर लगाने के बाद भी उसकी मूवमेंट वैसी की वैसी है। एक एक हेड रेस्ट, एक एक आर्मरेस्ट, एक एक बैक क्रो, टॉप गियर की फिटमेंट देख सकते हैं। और जो प्यार आप लोग ने दिया हुआ है पूरे साल भर में, हमने इतनी ऑरा में सीट कवर्स लगाए जो टॉप गियर के, किस तरीके से एक नया कलर आप लोगों को बताना था। स्टेयरिंग ऑफ द कार एक सीट कवर को यूज़ करके स्टेयरिंग भी उन दो कलर में हमने रैप किया है। स्टेयरिंग कवर नहीं है दोस्तों, रैपिंग है जो अंदर तक होती है। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स है जो दरवाज़ा खोलने पर ऑरा का नाम एंड इल्यूमिनेशन देती है। सो 5 इंटीरियर अपग्रेड्स, एक सीट कवर, एक आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट ऑरा के टॉप एंड एसएक्स में भी नहीं आता है, इसमें हमने लगाया है दोनों सीट के बीच में। द हाइट एडजस्टेबल, किस तरीके से एक आर्मरेस्ट की फिटमेंट है आप लोग देख सकते हैं। 1 सीट कवर, 2 स्टेयरिंग रैप, 3 आर्मरेस्ट, 4 टॉप गियर की ही एलमंड कलर एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में हनी कॉम मैट्स आती हैं जो वेरी इजी टू क्लीन एंड जो लुक ऑफ द कार इसके अंदर बढ़ जाता है आप लोग के सामने है। एंड फ्लोरिंग का लेमिनेशन हमने किया हुआ है जो 7D ब्रांड का आता है। एक एक मैट्स की फिटमेंट, एक लुक देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा नहीं बट ये गिन के 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। सीट कवर जिस पर आप बैठते हैं, आर्मरेस्ट जिस पर आप हाथ रखते हैं, स्टेयरिंग जो आप पकड़ के गाड़ी चलाते हैं, मैट जिस पर आप पांव रखते हैं, लैमिनेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कारपेट। दिस 5 इंटीरियर अपग्रेड्स इसके अंदर हमने किए। 5 लाइट अपग्रेड्स भी किए हैं। स्कफ प्लेट्स हमने लगाई हैं जो दरवाज़ा खोलने पे एक इल्यूमिनेशन देती है। एलमंड कलर से मैचिंग दरवाज़ों में हमने डोम लाइट्स लगाई है। इवनिंग का टाइम है, आप देख सकते हैं कि दरवाज़ों में जो एक येलो लाइट का शेडो हमको मिल रही है, नाइट मोड में ये और अच्छी दिखती है। 2 फुट लाइट्स लगाई हैं जहाँ पे हम पाँव रखते हैं। सो दिस LED अपग्रेड्स हैव ऑल्सो बीन डन। डोम लाइट्स हमने चारों इसमें लगाई है, आगे भी एंड पीछे भी। द रियर स्पॉइलर हैज़ बीन फिटेड इन द कार। स्पॉइलर काफ़ी डिमांड में है, कंपनी बीच में लगा के दे रही थी कई मॉडल्स में, फिर बंद कर दिया, बट आपकी अगर ऑरा हो तो स्पॉइलर उस पर हम लगा सकते हैं। सेडान गाड़ी पे स्पॉइलर का जो लुक है एक स्पोर्ट्स लुक हमेशा से रहा है। लुक ऑफ द कार आप लोगों के सामने है। द रियर स्पॉइलर इज़ अ ह्युंडई जेन्यून। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में डोर वाइज़र हमने लगाए हुए हैं जो क्रोमियम के आते हैं, क्रोमियम नहीं सॉरी मिरर के आते हैं, कांच आती है, कोई क्रोम वगैरह नहीं है, ब्लैक विद द मिरर आप लोग देख सकते हैं। क्रोम हमने किया है विंडो पे, क्रोम हमने किया है हैंडल पे, क्रोम हमने किया है साइड डोर मोल्डिंग पे। सो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 जो साइड प्रोफाइल है इसका लुक आप लोगों के सामने है। बट जो हाइलाइटिंग फीचर है गाड़ी के अंदर, हमने फिर से मोटो हंगर की सन कंट्रोल अल्ट्रा हाई हीट रिजेक्शन फिल्म लगाई हुई है। ये फिल्म का शेड देख सकते हैं कि वाइट गाड़ी पे जो हमको रिफ्लेक्शन मिल रहा है, फोटोग्रामेटिक फिल्म आती है। धूप पड़ी उधर फिल्म का शेड डार्क हो गया, छाँव में उसका शेड लाइट हो गया। इसकी ब्रांडिंग आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। फिल्म की जो हिट रिजेक्शन है, मेरे आप वर्कशॉप पे आएंगे, इसका ह्यूमन टेस्टर है, आदमी पूरा का पूरा एक मशीन में खड़े होके आप देख सकते हैं कि ज़रा भी धूप वगैरह आपकी गाड़ी में नहीं आएगी। ये गाड़ी के अंदर जो टच स्क्रीन हमने लगाया एप्पल कारप्ले के साथ है, जो आईफोन यूज़र हैं
किस तरीके से एक एप्पल कारप्ले का भी इंटरफेस है आप लोगों को आज बताना है। द नेट प्ले एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम विद द वायरलेस एप्पल कारप्ले उसके अंदर हमने लगाया हुआ है। इसका इंटरफेस देख सकते हैं, 9 इंच की स्क्रीन आती है जो सॉकेट टू सॉकेट लगती है। एप्पल कारप्ले का इंटरफेस भी देख सकते हैं कि किस तरीके से है। आईफोन हमारा जो है वायरलेसली आईफोन के जितने भी मेजर फंक्शंस हैं, कॉल लॉग्स, म्यूज़िक, मैप्स, टेक्स्ट मैसेजेस, पॉडकास्ट, कैलेंडर, सेटिंग्स, गूगल मैप एंड व्हाट्सएप सब इसके अंदर आ जाता है। एक मैप यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है किस तरीके से है आप लोग देख सकते हैं। सर्च अगर मैं करता हूँ, वॉइस कमांड भी अगर मैं देता हूँ, गोल्डन पंजाब होटल, आप लोगों के सामने है कि एक एक वॉइस कमांड किस तरीके से इसमें चलता है एंड जो फास्ट स्पीड इसकी हमको मिलती है नेट प्ले में। एक मैप, आपके आईफोन की सर्च हिस्ट्री, आपने अपने मोबाइल में क्या सर्च किया था, आपके कॉल लॉक्स किस तरीके से आ जाते हैं, आपके मोबाइल के गाने किस तरीके से आ जाते हैं और आप लोग को क्या चाहिए। तो वायरलेस एप्पल कारप्ले बहुत ज़रूरी है अगर इफ़ यू आर आईफोन यूज़र, में हमको दिया हुआ है। रिवर्स कैमरा हमने लगाया हुआ है जो ब्लॉपंग ब्रांड का है। एक एक क्लैरिटी देख सकते हैं जो डोम कैमरा है नंबर प्लेट के ऊपर लगता है। हेडलाइट अगर मैंने चालू की तो यहाँ पे भी लाइट आती है। हेडलाइट बंद करने में ऑटो डिमिंग है, गाड़ी चल रही है, वीडियो चल रहा है, आवाज़ आ रही है। अगर मुझे डिस्प्ले को ऑफ़ करना है तो स्क्रीन ऑफ का फंक्शन भी दिया हुआ है। पूरे स्क्रीन पे मैं टच करो स्क्रीन भी ऑन हो सकती है। सो दिस इज़ अ गूगल मैप जो हमने देखा। सेकेंड ऑफलाइन मैप भी है, अगर आप लोग देख सकते हैं कोई हमने हॉटस्पॉट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, खाली ब्लूटूथ हमने दिया है तो भी एप्पल कारप्ले इसमें वर्किंग है। इफ़ यू आर नॉट एन आईफोन यूज़र विदाउट इंटरनेट मैप इसके अंदर चलेंगे। नेट आप अगर देते हैं तो गूगल मैप भी आपके चलेंगे। किस तरीके से इसकी इंटरफेस है मैप की आप लोग देख सकते हैं। सो विद द ऑफलाइन मैप्स, विद द GPRS, विद 36 इनबिल्ट वीडियोस, इनबिल्ट सॉन्ग्स, ये प्लेयर हमको आता है फिट एंड फिनिश आप लोगों के साथ। हर्ट्ज़ के हमने कंपोनेंट लगाए हुए हैं जो आगे की तरफ दो स्पीकर हमने चेंज किए हैं। हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं आप लोग इसका इंस्टॉलेशन, साउंड इफेक्ट भी टोटली अमेजिंग है। तो एक बार फिर ऑरा का वीडियो आप लोग के सामने लेके आना था, बट विद द न्यू कलर सीट कवर, विद द एप्पल कारप्ले, विद द स्पॉइलर, विद द सन कंट्रोल फिल्म, एंड ओनर ऑफ द कार सर भी हैं हमारे साथ जिनकी गाड़ी हमने बनाई है। वेलकम करते हैं सर का। किस तरीके से सर जो फिल्म लगाई हुई है, क्या रिस्पॉन्स है? कल लगा के गए थे, थोड़ा लेट हो गया तो आज शूटिंग के लिए आए। धूप आ रही है क्या गाड़ी में ज़रा भी? एयर कैसा है एंड सीट कवर भी कैसा है? नहीं, हीट तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। डैशबोर्ड वगैरह गर्म तो नहीं हुआ था, जैसे मैं आफ्टरनून में आज ट्रैवल किया हूँ वाशी के लिए, तो हीट वगैरह नहीं आ रही। AC भी अच्छा चिल्ड आउट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू उससे पहले जितना गर्मी हो रहा था अंदर, तो अच्छा है एक्चुअली रिस्पॉन्स। जैसे आपने बोला था कि हीट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा सर, आई उन्होंने गर्म मेरे को नहीं होना चाहिए गाड़ी। समर सीजन है तो फिल्म आप आइए एंड मोटो हंगर की जरूर लगा के जाइए। प्लेयर का कैसा रिस्पॉन्स है? प्लेयर भी अच्छा है, बहुत अच्छा टच स्क्रीन है, रिस्पॉन्सिव है, आईफोन इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है, मैप्स फंक्शनैलिटी बहुत स्मूथ है। सीट कवर जो इंटीरियर है, सीट कवर से तो पूरा गाड़ी का लुक ही बदल गया, अच्छा खासा लग्जरियस लुक आ रहा है। जो पहले सीट कवर ओरिजिनल हुंडई के आते वो इतने कम्फर्टेबल नहीं है जितने अभी ये लगा है। अच्छा कम्फर्ट है, फील अच्छा आता है जब ड्राइव करते हैं तो बहुत कम्फर्टेबल आता है उसमें। ओके सर, थैंक यू आपको करेंगे। लोग देख सकते हैं कि जो ऑरा में आपको प्यार हमको मिला हुआ है, CNG गाड़ी में किस तरीके का मॉडिफिकेशन है। हमने बल्ब्स भी देखे, फॉग लाइट के भी बल्ब देखे, अलॉय व्हील्स भी 15-inch डायमंड कट हम लोग के पास अवेलेबल है। तो हर वो चीज़ ऑरा में किस तरीके से एक बेसिक मॉडिफिकेशन आप लोग को दिखाना ज़रूरी था। फिर से बहुत टाइम बाद लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए ड्राइव 50 एंड।